हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपेरिमेंटल फूडी। मेरा नाम है रिया और आज मैं लेके आई हूँ अमूल का एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है गुलाब जामुन। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फूड रिलेटेड कंटेंट आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है गुलाब जामुन और इसकी जो MRP है वो है 30 रुपीज़, जो कि इधर बॉटम में लिखी हुई है, और जो इसकी पैकेजिंग डेट है वो भी MRP के साथ बॉटम पर ही लिखी हुई है। और इसकी जो क्वांटिटी है, इसका नेट वेट है वो है 100 ग्राम्स का, और ड्रेन्ड वेट मतलब शुगर सिरप के बिना वो 50 ग्राम्स का है, और इसके अंदर 2 पीसेज है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें शुगर सिरप, खोया, चना, मैदा, इलायची पाउडर, और इसमें लिखा है फ्राइड इन प्योर घी। और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंग में दी गई हैं। तो एनर्जी 278 kcal, टोटल फैट 6.5 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 3.8 ग्राम्स, ट्रांस फैट 0, टोटल कार्बोहाइड्रेट 51 ग्राम्स, एडेड शुगर 45, और प्रोटीन 3.8 ग्राम्स। और जो ये लिड है इसकी, इस पर ही इसको यूज़ करने का डायरेक्शन दिया गया है वो बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि अगर आपको ये गुलाब जामुन को माइक्रोवेव करना है तो ये जो लिड है इसको हटा के करना है, और अगर जैसे ये जब आप लाएंगे ना कहीं से भी तो ये फ्रोज़न होते हैं, और इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है उसके लिए भी आपको इसका लिड हटा देना है। तो ये थे इसके यूज़ करने के डायरेक्शंस। तो अब चलो इसको ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने पूरी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। आई होप आपको दिखा। तो एक जो गुलाब जामुन है उसका साइज ये है, और ऐसे ही इसमें 2 है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। इसको मैंने ऐसा खुला करके रख दिया था। तो गाइज अभी तो मैंने इसको ओवन वगैरह में हीट नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया था थोड़ी देर ऐसे ही रख के खुला। तो बाकी बहुत ज़्यादा वैसे तो सॉफ्ट हो गए हैं, पर अगर आप चाहें तो इसको ओवन में गर्म करके भी खा सकते हैं अगर आपको गुलाब जामुन गर्म पसंद है तो। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे कर देने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो जैसे आप स्वीट शॉप से लाते हैं बिल्कुल वैसे ही सा टेक्सचर, एकदम सॉफ्ट सा, और एकदम हल्का सा इलायची का फ्लेवर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। तो आप इसको ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं, और अभी अपने आने वाले त्योहारों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी सही लगा और इसका जो शुगर कंटेंट है वो भी बहुत सही है। तो आप इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कैसा लगा। फिर तब तक मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट रिव्यू या फिर फूड चैलेंज के साथ। तो आप जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बाय बाय एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट।